अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिनों से सहारा वर्ल्ड मैनेजमेंट की जानिब से वीडियो चल रहे थे और इसके जो ज़िम्मेदार हैं मोहम्मद तस्कीन, वो फरार बताए गए थे। और दिल्ली में एफआईआर हुई थी और पंजाब गुट्टे में कुछ साल पहले एफआईआर हुई थी। ये दो एफआईआरों को लेकर कुछ वीडियो वायरल हो रही थी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर हम तक पहुँचाया ताकि लोगों को समझ में आए कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि जो भी उनके पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और जिस तरह से उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने ये सारे तफसलात बताई और उन्होंने अपनी बात को रखा। हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो भी मसला होता है तो एक तरफा नहीं, उनकी भी बात सुनना ज़रूरी है ताकि समझ में आ जाए लोगों को कि सच्चाई क्या है। और मोहम्मद तस्कीन ने ये सारे तफसलात बताई, क्या है ये सारा मसला, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईवी फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। मैं पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया चैनल्स का और ख़ास करके जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी का। आज मैं लाइव आना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि जो वायरल हो रही है न्यूज़ मेरी, तो काफ़ी लोग ने कहा है और मेरा दिल भी गवारा किया है कि मैं ज़रूर यहाँ पे ऑन लाइव आऊँ और मीडिया का सारा जो भी वायरल चल रहा है, जो झूठी न्यूज़ डाल रहे हैं, दिल में आए जैसी डाल रहे हैं, तो उसका जवाब भी दूं ताकि मैं सबको पता चले हकीकत क्या है। और मैं यकीन मानिए सभी लोग को, मैं जितनी भी पब्लिक है सबको बोल रहा हूं कि जितनी भी मेरी आवाज़ है और जितनी भी मेरी बातें हैं इसको एफआईआर को मैच करिए, अपने बाजू रखकर आप लोग डिसीजन ले सकते हैं ये कितनी सच्चाई है इनमें, मीडिया में और मेरे में, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अभी जैसा भाई साहब ने डाला है, कोई बता रहे हैं कि फरार है, पहले तो वो बता दूं फरार नहीं है क्योंकि हम यहाँ के लोकल है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी है, पक्के हिंदुस्तानी, इंशाल्लाह कोई करोड़ों लाखों जायदाद नहीं लिया, मर्डर नहीं किए जो भागने वाले हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे सच्चाई पे हैं इसलिए भागते फिरते नहीं फिरेंगे इंशाल्लाह, और इसका जवाब भी हम आपको आके देंगे इंशाल्लाह जरूर। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पंजा गुट्टा, पहले शुरुआत वहां से करता हूँ, पंजा गुट्टा जो पुराना केस था कि आप पहले उसकी स्टडी नहीं किए, वन साइड ही डाल दिए आप कि जो ऑनलाइन है वो एड है, ठीक है, आप अच्छे से निकाल के देखिए, या तो डक्कन क्रॉनिकल का नंबर होगा उसको फोन मार के पूछिए वो एड है कि न्यूज है, पहले वो भी नहीं पता है, न्यूज वाले हैं आप लोग, ठीक है, वो एक देख लीजिए पहले। दूसरी चीज, वो एफआईआर किया था बंदा कि हमने, वो बंदा हमको पैसे देनी थी, उसका कैनेडा वीजा भी आ गया था कि कैनेडा वीजा तक मैं बता दूं आपको, वो लोग का जितना भी था कैनेडा वीजा यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे का कैनेडा वीजा तक आ चुका था तबरेज, उसके अंदर एफआईआर में है, कैनेडियन एम्बेसी का कंफर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक सारी मीडिया में मैं बताऊंगा, ये सारा अभी आपको स्क्रीन में साइड में भी आएगा सारी चीज। और ये ईमेल था कैनेडियन एम्बेसी का जो बता रहे हैं कि फेक दिए हैं, वो दिए हैं, ये सारी चीज है। और ये मेरे कोर्ट के पेपर्स है जो मैंने, ये केस के बाद जो आपने एफआईआर पकड़ के घूम रहे हो मार्केट में, इसके बाद भी एफआईआर बनी है जो मेरी तरफ से है। जब इंडिया में मैं नहीं था, ये बच्चे लोग को हमने पैसे के लिए दम किया था कि जब वीजे लग गए हैं बच्चे के तो पैसे लाजिम देना है ये, क्योंकि वीजा लगने के बाद अगर फाट के भी फेंकेगा तो पैसे लाजिम देना पड़ेगा। तो हमने जब प्रेशर किया अकाउंटेंट की तरफ से कि पैसे बनना है बाकी के, आपका वीजा आ गया, तो बच्चे ने क्या किया, पहलवानों को लाना स्टार्ट किया ऑफिस पे, जब हमारी टीम जरा जोर पड़ी उनपे तो जाके पीएस में मैनेज करके एफआईआर बनाया है। एफआईआर का फुल फॉर्म बता दूं, कोई क्राइम नहीं है, एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फर्स्ट प्रिटिशन होता है, प्रिटिशन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर का मतलब है इन्वेस्टिगेशन में आते हैं सब, या तो 41 नोटिस पे छूटेंगे या तो कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं एफआईआर का फुल फॉर्म वो है, वो क्राइम नहीं है, पहले दिमाग लगाइए वहां पे। दूसरी चीज है, यहाँ पे बताया जा रहा कि मैं पैसे लेके भाग गया, ऐसी बात नहीं है, कौन है पैसे किसके लेके भागा उसको एक बार सामने तो लाइए, उनके बिल्स देखिए, उनके एग्रीमेंट्स देखिए, उसके बाद आप खुद को समझ जाएंगे। ऐसे मत बदनाम मत करिए अच्छे इंसान को, क्योंकि मार्केट में अच्छे कमाई कमाना वो अलग चीज है, नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। नाम जब हमने कमाई है इतनी मेहनत करके, आप इतना उछालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अल्लाह देगा इज्जत, हमें इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह इज्जत देगा, इज्जत लेगा, सब उसके हाथ है, आपके हाथ नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, अल्लाह जो चाहे वही होता है। तो मैं
मेरी इज्जत पीआर बढ़ाने का आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है वीडियो डाल के मेरी इतनी, जिसको नहीं मालूम था उसको उस तक भी पहुंची है, तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। जो मेरी आवाज मेरी फोटो हर जगह पहुंचाए आप, इतनी पब्लिसिटी की है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका। और जो मीडिया में आया है पज्जा गुट्टा केस का, पहले वहां से शुरुआत हुई थी उसी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट बनेगी पहले और उसके बाद और एक वीडियो आएगी मेरी, दो वीडियो छोड़ रहा हूं अभी मैं, इसके बाद देखिए क्योंकि टाइम की पाबंदी करके मैं वीडियो छोड़ रहा हूं। तो यहां पे अभी आप देखिए जो तो हम बात कर रहे थे ये पज्जा गुट्टा केस की, तो ये जो बंदे हमने जो पैसे स्टार्ट किए हैं पूछना हमारे अकाउंटेंट ने जब मैं दुबई में शो में था, सभी जानते हैं 2019 में मेरा शो हुआ था दुबई के अंदर भी, तो उसके बाद भी हमारे कई यहां के आर्टिस्ट को मैं दुबई में बुला के शो किया था, सभी को पता है, अगर किसी को पता नहीं है तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं मेरा स्टेटस। तो वहां पे जब मैं था तो यहां पे अकाउंटेंट हमारी जो पूछताछ करने लग गई उससे, तो लड़ाई झगड़े हुए थे उसके बीच में, पैसे नहीं दे रहे तो पहलवानों को लाए, तो हुई थी पुलिस केस हुआ था उनके ऊपर, तो यानी वो लोग हम पे किए थे उल्टा रिवर्स डाल के, जबकि मैं हिंदुस्तान में नहीं था, उनकी तरफ से वर्षन था जो भी था आपके नजरों के सामने जो डाल दिए 420 वगैरह वगैरह। उसके बाद का केस देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, आप लोग को मैं बताता हूं कि ये सारी चीज देखने को मिलेगी। मैं आपको इस पे ब्लर दिखेगा आपको, फोन में सही नहीं दिखेगा आपको, साइड में स्क्रीन में आ जाएगा पूरे स्कैनिंग। ये कोर्ट के पेपर्स है जो बच्चे लोग को 420 हरासमेंट टीचिंग और पेमेंट ना करने के चालान पड़े हैं, कोर्ट से हमने करवाई थी, कोई सेटिंग करके पीएस में नहीं कराए, कोर्ट में कोई हमारा कोर्ट नहीं होता जो मैनेज कर ले, कोर्ट में पूरी पाबंदी हर डॉक्यूमेंट देखी जाती है कंपनी की, हमारी सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटेड होने के बाद इन पे केस लागू हुए हैं। वो जिस किसी को भी मीडिया को डाउट है मेरे को यहाँ पे मैं अभी सेंड कर रहा हूँ सारे, इनसे ले ले और यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सारे डॉक्यूमेंट ले ले आप, क्योंकि ये स्कैनिंग साइड में आ रही है, सारे FIR है इसके अंदर, वो लोग को बच्चों को अरेस्ट किया सो पेपर है, कोर्ट के पेपर से सारी चीज देख लीजिए, इसकी डेट भी देखिए, अगर किसी को एडवोकेट से वेरीफाई कराना है तो एडवोकेट को इसका केस नंबर दीजिए, ऑनलाइन भी बताएगा, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, इतनी सच्ची क्लैरिटी, और ये भी बता रहा हूं मैं कोई सेटिंग वाला नहीं है, ऑनलाइन देखिए कोर्ट है पूरा, क्योंकि पहले के जो आप बता रहे हैं केसेस जो आपने अभी डाला है पज्जा गुट्टा केस का, उसके बाद का देखिए, पहले उससे पहले का केस नहीं बता रहा हूं, उसके बाद का केस ही होता है जो पावरफुल होता है। मैंने कोर्ट रिफर करके उनको अरेस्ट भी करवाया और उनसे पैसे भी निकाल लिए हैं, बाकी का सब काम कंप्रोमाइज पे हो गया है, वो सारी चीज हो गई। अब रहा बात यहां पे जो दिल्ली वाले की बात है, तो अभी आपको दिल्ली पे आता हूं, जो दिल्ली पुलिस है वो बत्ता जो संतोष है उसकी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और मैं कोई फोर्जरी डॉक्यूमेंट नहीं दिया और किसी को मैं टाइम पास के फोर्जरी नहीं किया, मैंने खुद मेरी कंपनी सहारा कंपनी के डॉक्यूमेंट दिए हैं, मैं खुद ओनर हूं, मैं खुद जब अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट देता हूं तो कोई फोर्जरी नहीं होती, और मैं लाइसेंस होल्डर हूं भाई साहब, लाइसेंस होल्डर हूं, मेरा इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस साइड में भी देखिए इनकॉर्पोरेशन है, अगर नहीं है तो आप खाली गूगल में भी मारिए मोहम्मद तस्कीर, पूरे 3 कंपनी आपको एक्टिव बताएंगे, वो देख सकते हैं आप ऑनलाइन सभी देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको जेन्युइनिटी मालूम होगी हमारी, हम स्पॉन्सर है या कंसल्टेंट है या एजेंट है, वो सब मालूम हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो बंदा संतोष पासपोर्ट छोड़ के काउंटर पे से जो भागा है, क्योंकि इंटरव्यू हो रहा था जब स्कैनिंग को लेडी अंदर जा रही थी, पासपोर्ट छोड़ के ओरिजिनल भाग गया, बाहर आके कॉल भी किया मुझे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सर मैंने डर के बाहर भाग के आ गया, तो मैंने उसको बोला ये गलत किया तूने बहुत, क्योंकि क्राइम होगा ये, क्योंकि जब पासपोर्ट काउंटर से छोड़ के भागते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसका, मेरा काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट में प्रूफ करिए आप कहां पे मेरे डॉक्यूमेंट गलत है, फोर्जरी है, डुप्लीकेट है, गलत दिया। अगर मैं कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट देता होता दूसरी कंपनी के तो फोर्जरी होता, मैंने खुद मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो कंपनी चलता है मेरा सभी देखते हैं, और मेरा मल्टीपर्पज काम है, इवेंट भी करता हूं, सॉफ्टवेयर भी करता हूं, IT भी करता हूं, मैं सारी चीज करता हूं, तो मैंने क्या गलत किया? एक बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए मैंने करियर बना के उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास थोड़ा था, उसके पास मेरे पास का एक्सपीरियंस उसके पास कम था, तो मैंने थोड़ा बढ़ा के दे दिया रिक्वेस्ट नोट पे, और ये बताया बॉस मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ा के दे ताकि मेरी जिंदगी बन जाए अमेरिका के लिए, तो मैंने उसको एक्सपीरियंस बना के दिया है, तो वो हिसाब से मैंने क्या गलत किया बताइए? किसी की जिंदगी बन रही है, परेशान है, उसको मैंने मदद करने के लिए दिया है, तो गलत क्या किया ये मैंने बताइए? तो गलत किया मैंने डॉक्यूमेंट देखे, कोई अगर बता सकता है तो मुझे बताइए। और अमेरिका जाने के लिए डॉक्यूमेंट लाजिम होते हैं, एज पर दी US एम्बेसी के काउंसिलर के मुताबिक क्राइटेरिया के हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है, उसके बिना प्रोसेस नहीं होता, तो मैंने मेरे खुद के डॉक्यूमेंट बच्चे को दिए हैं, आज जो मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं यही वजह है कि मैंने किसी को हेल्प की है और मेरे गले डाल लिया हूं मैं। तो यहां पे आप लोग को गर्व होनी चाहिए, किसी की जिंदगी बनाने के लिए मैं इतने मेरी इज्जत पे दांव लगा लिया हूं मैं। तो मैं आपको बताता हूं आगे न्यूज में,
और मैं बता रहा था कि मैंने क्या गलत किया, आप लोग को भी पता है कि मैंने किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी अपने नाम को दांव पे लगा दिया है। आज जो आप लोग कर रहे हैं इससे खुदा भी नाराज होगा, क्योंकि पहले तो आप लोग खैर मीडिया अपना पीआर बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। मेरी फोटो डाल के आप इतना पब्लिश कर रहे हैं कि आपके व्यूअर भी देखिए, पहले आज तक नहीं थे, इतने व्यूअर बढ़ गए हैं आपके, क्योंकि फॉलोवर भी ऐसे ही है हमारे कि मैं किसी को रोक भी नहीं सकता। डालिए आप, मेरा भी प्रमोशन हो रहा है, आपको भी शुक्रगुजार हूँ मैं उस चीज़ का जो आपने हमारा प्रमोशन किया है। और ख़ास करके लेकिन एक बात आपको मैं बता दूँ कि अल्लाह की जब मार पड़ेगी आप कहीं के नहीं रहेंगे, और ये केस ऐसे केस आप पे बराबर इंशाल्लाह जिंदगी में आएंगे आपके खुद के चैनलों पे और खुद पे आएंगे ना, जब मेरी ये तकलीफ याद आएगी, इज्जत याद आएगी। मुझे कोई चीज़ से आपकी तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे सिर्फ मेरी इज्जत प्यारी है, क्योंकि ना तो मैं किसी से पैसा लिया, क्योंकि ये वो भी नहीं बता रहे हैं कि पैसा लेकर भाग गया। अगर किसी का पैसा लिया तो मेरे सामने आइए, प्लीज़ मेरे सामने आइए, प्रूफ लेके आइए। मैं आपको मीडिया में जवाब देता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, अगर आपके पास बिल्स है, अगर ये स्टेटमेंट है कि मैं आपको वापस करूँगा या दे दूंगा, या फिर आपका काम मैंने गलत किया है, तो आपसे मुझसे मांग लीजिए, अलग चीज़ है वो। लेकिन ये बदनामगी के काम मत करिए, क्योंकि मैंने किसी से ऐसा काम नहीं किया बदनामगी का। अगर ऐसा होता, UCID के चर्चे पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया में भी है। खुद के जेब के पैसे डाल के मैंने जेल से लोगों को भी छुड़ाए हैं, कई लोगों के शादियां किए हैं, कई लोगों के घर पे जितने भी परेशानियां थे मैं आगे बढ़ के काम किया। मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ने करवाया। सिर्फ बोलने की वजह ये हो रही है जो आप मैं बता रहे हैं कि मैंने किसी का पैसा लेके भागा है। अगर पैसा लेके भागता तो मैं जेब का लाखों रुपये लगा के लोगों के करियर नहीं बनाता। आप लोग सिर्फ मीडिया में डाल सकते हैं, आप लोग के स्टेटस बताइए, आप लोग के कितने क्राइम है, कितने आप पे केसेस है, कितने हैं मेरे पास आ चुके ऑलरेडी। इंशाल्लाह मैं वो भी मीडिया में पेश करूंगा, काफी, वो भी नेशनल यूट्यूब पे भी नहीं, नेशनल टीवी पे डालूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी इज्जत की बात है। जब आपकी इज्जत आएगी तो आपको तकलीफ आगे वाले की मालूम होगी, वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जब दिल्ली पुलिस की बात है, फिर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपको, ताकि सारे क्लैरिटी मिल जाए आपको। दिल्ली की जब पुलिस हैदराबाद आई इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, क्योंकि वहां पे कुलदीप यादव जो है IO है सैनिकपुरी पुलिस स्टेशन में दिया गया, क्योंकि एम्बेसी वहीं के कंसल्टेंसी में है तो वहीं पे दिया गया। तो वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स यहां पे आए ये पूछताछ के लिए कि सर आपने एक्सपीरियंस दिया है, ये सच है या गलत है। तो हमारे जब ऑफिस पे आए, ऑफिस पे हम नहीं थे तो घर पे आए आधी रात पे, आके वो लोग नोटिस भी दिए हैं, 41 नोटिस देकर गए हैं, ठीक है, वो नोटिस भी है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहीं पे पता चल रहा आपको कि हम भागते नहीं है, ठीक है। 41 नोटिस के बाद किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लीजिए एडवोकेट से। दूसरी चीज है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसके बाद मेरे माजी जो एम्प्लॉई है, वाकई में जो बच्चा बता रहा वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई झूठ नहीं है। बच्चा क्या बता रहा देखिए, उसके अंदर सिर्फ बच्चा ये बता रहा, PDF मैं दिया, वो शेयर किया, उसमें क्या गलत बताया बच्चा बताइए। कि या बच्चा बोला पैसे लूट लेके भाग गए सर, या बच्चा बोला कि सर ने मुझे सैलरी नहीं दी, या बच्चा बोला कि सर ने सबको डुबा के भाग गया। सुना बच्चे से? नहीं सुना, बच्चा नीचे मुंडी डाल लिया, क्योंकि बच्चे को खुद पता है मैंने जिंदगी दांव पे लगा दी है लोगों के लिए। वो बच्चा खुद आंखों से देखता था मेरे पास, पूरे 6-7 महीने काम किया बच्चा, मैं US में भी था तो बच्चा अकाउंट संभालता था वो, और वेब डिजाइनर था मेरे पास, सारा काम वही बच्चा देखता था, तो उसको भी इल्जाम लगा दिए। खैर नो प्रॉब्लम, वो एक हो गया। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंशाल्लाह कोर्ट का इंतजार है, आप लोग से दुआ है कि हमारे हक में भी दुआ करें। इतना स्टेटमेंट मेरे को जरूरी था देना, क्योंकि आप लोग जो न्यूजेस डाल रहे हैं भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, सभी से गुजारिश करता हूँ, मैं मीडिया को जितने भी ऑफिशियल चैनल्स है, जितने भी लोग तारीफ हर मीडिया में मेरी देखी है, सबको पहले मैं मीडिया को भी तारीफ करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि वाकई में मीडिया है जो हमारी आवाज, आज जो हम सेलिब्रिटी भी बने होंगे तो भी मीडिया की बदौलत है। और जितने भी लोग हमारी आज जल के जो आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिशें जारी है दुश्मनी के लिए, भाई दुश्मनी है तो सामने से करिए, पीछे से नहीं करिए, किसके इज्जत से मत खेलिए। क्यों, और एक चीज मैं बता दूं, लास्ट चीज मैं बता दूं कि खास करके ये जो संतोष बच्चा फंसा हुआ था, पकड़े गया था बच्चा, उसकी तरफ से मजहर, उसके बाद का जो राउंड था मजहर का, ये लड़का संतोष का 11:30 बजे इंटरव्यू था और मजहर का 12:15 बजे था। जब संतोष पकड़ा गया तो मजहर भी लाजिम है, उसको भी कस्टडी में रख के इंक्वायरी करे तो सेम था। तो मजहर और संतोष के आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, 420 केस है उन पे और 468 मेरे पे है। तो 468 का मतलब होता है, आप कोई एडवोकेट है तो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो शायद वो भी जान जाएंगे, क्योंकि उनसे बड़ा तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि वो भी बेहतर जानते हैं, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं बताऊं। 468 का मतलब है कि ऑफिशियल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको मैंने अनऑफिशियल में यूज किया है।
क्योंकि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे खुद के डॉक्यूमेंट्स, मैंने खुद के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कोई कंपनी की फोर्जरी नहीं की, कोई थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, मैंने खुद के डॉक्यूमेंट दिए, तो फोर्जरी नहीं होता। क्लॉज लगता ही नहीं, सभी को बताए 468 का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मेरे खुद के सही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैंने उसको एक्सटेंड में यूज़ किया है, यानी गलत वे में यूज़ किया है, बल्कि बता रहे हैं ये लोग, उसका मतलब वो है 468। उसके बाद लगा है 471 जो, और उसके बाद लगा है 120B, उसका मतलब है कि सारे ग्रुप ने मिलकर किया, इसमें ग्रुप नहीं आता क्योंकि कंपनी का ओनर हूं मैं, कोई एजेंट नहीं हूं। ठीक है, ये सारी चीज क्लियर हो गई ऑलरेडी, डिफेंस किए हैं, हमारे एडवोकेट चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं इसका भी क्लीन शीट दूंगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग क्लीन शीट को भी फॉलो करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन यहां तक का जो आपकी पब्लिसिटी हो रही थी कि बदनाम करने के लिए के पंजा गुट्टा के केस को लेके, उसके सारे पेपर साइड में देख लीजिए इंशाल्लाह स्क्रीन पे, सारे FIR कोर्ट के पेपर्स डेट के साथ देखिए। मैं विनती करता हूं सभी से ताकि पता चले कि ये जितने भी मेरे दुश्मन हैं जो अपना PR बढ़ाने के लिए बड़ी आवाज से एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनके सारे कितने क्रिमिनल केसेस हैं, मैं आपको ये सारा मेरा खत्म होने के बाद बड़ी आराम से इंशाल्लाह आप सबको शेयर करूंगा। पूरी पब्लिक देखिए ये कितने पानी में है, जितने बड़े बड़े बातें करते हैं और बताते हैं कि इनके साथ ये करें ये करें, इंशाल्लाह जरूर कोर्ट भी साथ देगा। ऑफिशियली हम अपील करते हैं कोर्ट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी, जितने भी ऑफिशियल है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, जितने भी सभी मीडिया ने मेरी आवाज सुनी गौर करके, मैं सभी मीडिया को नहीं बोल रहा हूं, इसमें काफी अच्छे मीडिया भी है जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं और शुक्रगुजार भी हूं, और थोड़े मीडिया ऐसे हैं जिसको नॉलेज ही नहीं है, मीडिया की नाम खुद का लिखने नहीं आता, मुंह में गुटके रख के फिरते हैं, ये लोग अंगूठा छाप जो मार्केट में इतने केसेस है, बच्चियों के केसेस है, रिकॉर्डिंग है, लंगे फोटोज है इनके साथ, मैं बताना नहीं चाह रहा लेकिन बता रहा हूं, तकलीफ हो रही है इनके साथ है, मेरे तक आ चुके हैं, इंशाल्लाह हुशार होइए, आप लोग को मैं बता रहा हूं बहुत जल्द मैं आऊंगा इंशाल्लाह, आपकी सारी फाइलें जितने आपने अंदाज प्यारे अंदाज में बताया है कि क्राइम क्या चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को अपील किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप ही की आवाज से अपील कराने लगूंगा इस मामले में, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हिज्जो अमान में रखे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक रखें और ऐसे परेशानियों से किसी को ना आए, हमारी दुआ है, और अल्लाह इज्जत देने लेने वाला है, बिल्कुल सबके साथ है परवरदिगार, हम सब एक हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमेशा मैं बोलते रहता हूं, और ये जो केस है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सॉल्व होगा, बच्चों की बेल भी ली जाएगी इंशाल्लाह, और कार्रवाई भी चल रही है, बेल के लिए भी डाले हैं, तो दुआएं करिए कि कोई परेशान है इंसान तो उसको बाहर निकालने की दुआएं कीजिए, ताकि हुजूर के टाइम पे भी परेशानियां आए थे तो, लेकिन दुआएं करते थे लोग, लेकिन ऐसे जल्लाद लोग को नहीं देखा मैं, कोई परेशान है तो उसको उछाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, चलो अगर चोर है तो चोर बोल के डालिए, लेकिन चोर नहीं है फिर भी आप लोग इतनी कर रहे हैं, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा आपको, और मैं इतनी जो रिकॉर्डिंग डाला हूं मैं माफी चाहता हूं, काफी लंबी रिकॉर्डिंग है लेकिन मैं आखिरी समझ के डाला हूं, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई क्लैरिटी नहीं आएगा आप लोग को, सीधा मैं कोर्ट के पेपर लेके जिस पे जो करना है केसेस बराबर करूंगा इंशाल्लाह, और ये धमकी नहीं है जो भाई साहब बता रहे हैं कि धमकी देता हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं भाई, मैं सीधा प्रोसेस बता रहा हूं, लीगल प्रोसेस, कोई हम लड़ना नहीं जानते, ऑफिशियली जाना जानते हैं, क्योंकि आप जब करेंगे अनऑफिशियल काम जो कानून के खिलाफ है, जबकि आपके पास कोई प्रेस नोट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है पुलिस का, आपने न्यूज़ बना के डाले हैं, वेरी गुड, मेरा प्रमोशन किया आपका भी कर लिए हैं, इसका रिप्ले मैं भी दे दिया आज, इंशाल्लाह आगे इसका और भी देखेंगे इंशाल्लाह, जैसा भी कोर्ट कहा था। जय हिंद, थैंक यू सो मच। शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में, पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में, जी हाँ 29,999 रुपीज़,
जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827।